करना क्या है कि अभी हम सारे अनुरक्षक भाइयों को एक दूसरे के साथ में मिल करके अपने संगठन को मजबूत करना है। संगठन मजबूत करने के लिए अपने अपने पंचायत स्तर से शुरू करना है, क्योंकि प्रखंड में बहुत लोग अनुरक्षक को जानते नहीं है, उसे परिचित नहीं है, लेकिन अपने पंचायत में सभी लोग जानते हैं। एक दूसरे से मिलके व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए पंचायत का। जब पंचायत का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए तो एक प्रखंड का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, और प्रखंड का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है उसको जिला के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए। इस तरीके से जो भी मैसेज होता है, जो भी अनुरक्षक के हित की न्यूज होती है, खबर आता है, वो पूरे अनुरक्षकों तक पहुंचता है। इसमें क्या है कि किसी तरीके से कोई अनुरक्षक ठगी का शिकार नहीं होता है, और सब जो है अपना जागृत रहे और बिल्कुल धैर्य बना के रखे, सबका अधिकार मिलेगा। आप लोगों के पास में पोर्टल से नाम हट रहा है, हटने दीजिए। अपना जो रजिस्टर है ग्राम सभा का चयनित, उसको संभाल के रखिए, और अपना पहले का पोर्टल से अगर नाम निकाले हुए है उस कागज को निकाल कर रखें। वीडियो साहब से अगर अनुरक्षक का प्रमाण पत्र मिला हुआ है उसको लेकर के रखें। चाबी किसी भी हाल में नहीं देना है, और जिन लोगों का दिया गया है वो लोग भी बिल्कुल शांत रहें, और केवल आवेदन अपने डीएम साहब के पास, डीडीसी के पास और डीपीआरओ के पास एक एक आवेदन जो है अपने प्रूफ के साथ में लगा के दे दें। इससे क्या होगा, आवेदन की संख्या अगर डीएम साहब के पास में ज़्यादा गिरता है, जनता दरबार में ज़्यादा गिरता है, तो बीडीओ साहब के ऊपर कार्रवाई करते हैं, और इस तरीके से जिला में आपका न्याय मिल जाता है। लेकिन डीएम साहब आपको अस्थाई नहीं करेंगे। अस्थाई होने के लिए आपको 2-2.5 महीने का इंतजार करना होगा, जो कि केस हाईकोर्ट में हम लोग का चल रहा है। हाईकोर्ट में अभी तक हम लोग का 6 केस चल रहा है, इसलिए जल्दबाजी में कोई अनुरक्षक नहीं आएंगे और अपना भूमि राज्यपाल को नहीं लिखेंगे। किसी भी कागज पर लिखा पढ़ी करने से पहले ये जरूर सोचेंगे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने प्रखंड अध्यक्ष से, अपने जिला अध्यक्ष से मार्गदर्शन